हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष सॉल्वर फॉर यू से आज मैं बताऊंगा आपको टॉप 5 इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आपको क्या बोलना है? सर, माय नेम इज दिस, माय कंपनी इज दिस, माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर दिस, माय प्रोजेक्ट आर दिस एंड माय क्लाइंट्स आर दिस। अपने बारे में कभी नहीं बताना है, हमेशा अपनी कंपनी के बारे में बताओ, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। अलग अलग जगह आप काम कर रहे हो, अलग अलग कंपनीज में आपने काम किया है। अगर आप एक एक्सपीरियंस बंदे हो, आपको 10 साल का 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से आप अलग अलग प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। अगर आप फ्रेशर लेवल पे हो, पहला इंटरव्यू दे रहे हो, या अभी ग्रेजुएट हुए हो, अभी कॉलेज में हो, कहीं आप एज ए ट्रेनी इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपको क्या बोलना है कि सर माई नेम इज दिस, आई डन दिस एजुकेशन, दिस डिग्री फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, और अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है आपकी, अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन किया है उस सर्टिफिकेशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताओ। कहाँ से क्या है, एक्टिव है, नॉन एक्टिव है, एक्सपायर्ड है, नॉन एक्सपायर्ड है, कौन सी जगह से क्या है, कौन से कॉलेज से क्या है, कौन से इंस्टीट्यूट से क्या है, उस सर्टिफिकेशन का, उस नॉलेज का जो आपने बीटेक में बीएससी में गेन की है, उसका क्या एडवांटेज हो गया आप कंपनी को, ज्यादा ये बताओ, ताकि सामने वाले को लगे। ठीक है, तो ये है पहला पॉइंट। तो दोस्तों, आज का दूसरा पॉइंट, व्हाई यू लुकिंग फॉर चेंज। आप चेंज चाहते ही क्यों? आपका एम्प्लॉयर जानना चाहता है कि आपको पहली कंपनी में कोई इश्यू तो नहीं था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। तो हमेशा ये चीज ध्यान में रखना, कभी भी कहीं जाना, कि आपको क्या जवाब देना है। आपको एक जेन्युइन रीजन देना है, सिंपल, बेटर अपॉर्चुनिटी, मोर चैलेंजेस, न्यू चैलेंजेस। सर वहां वो प्रॉब्लम थी तो इसलिए मैं नई जगह जाना चाहता हूँ, सर वहां वो इशू था इसलिए मैं नई जगह जाना चाहता हूँ। आपको एक जेन्युइन रीजन देना है। अगर ऑफिस दूर है घर से, तो ये बताओ कि भैया मेरा जो ऑफिस है वो इतना किलोमीटर दूर था, वहां के लिए मेट्रो नहीं थी, कैब नहीं थी, मेरे पास अपना कन्वेंस नहीं था, इसीलिए मैं नई जॉब ढूंढ रहा हूँ। सिंपल, आपको एक सिंपल आंसर देना है, एक सिंपल जेन्युइन आंसर। घुमा फिरा के इसका कभी आंसर मत देना। तो उम्मीद है आपको ये आंसर पसंद आया होगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के। दोस्तों, आज का तीसरा पॉइंट, हाउ डिड यू लर्न अबाउट दिस ओपनिंग। आपको इस ओपनिंग के बारे में कहां से पता चला? बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, आप में से कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, पर बहुत इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है कि सर, आई डन मैनी रिसर्च अबाउट योर कंपनी, एज वेल एज आई सर्च मैनी वेबसाइट्स, एंड एज वेल एज माई सम फ्रेंड्स ऑल्सो टॉक अबाउट योर कंपनी, सो फ्रॉम देम आई नो डेट दिस इन दिस कंपनी लाइक दिस ओपनिंग इज करंटली गोइंग ऑन, सो डेट्स वाई वट आई फील डेट माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, माई करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर 100% मैच विद द जॉब डिस्क्रिप्शन विच यू प्रोवाइड थ्रू द नौकरी डॉट कॉम और थ्रू द अदर वेबसाइट्स। सो इस तरीके से आपको जस्टिफाई करना है अपना आंसर। हमेशा ध्यान रखना अपना रिसर्च के बारे में बोलना, कि आपने क्या रिसर्च किया है उस कंपनी के बारे में, ताकि उस कंपनी को लगे कि हाँ, ये बंदा कहीं से ऐसे सुन के नहीं आया है, कहीं से रिसर्च करके आया, प्रॉपर रिसर्च करके आया। तो उम्मीद है आपको ये जवाब पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई और क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। पॉइंट दोस्तों, आर यू गिविंग एनी अदर इंटरव्यूज? आप कहीं और भी इंटरव्यू दे रहे हो? आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है यस सर, आई एम गिविंग अदर इंटरव्यूज एज वेल। कभी छुपाना मत, हमेशा बोलना कि मैं अदर इंटरव्यूज भी दे रहा हूं, मैंने बहुत जगह अप्लाई किया। पर आपकी जो ओपनिंग थी वो 100% सुटेबल थी मेरे लिए। मुझे ऐसा लगा आपकी ओपनिंग देख के कि जो ओपनिंग मैं सर्च कर रहा हूँ, जो चैलेंजेस मैं सर्च कर रहा हूँ, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं सर्च कर रहा हूँ, जो काम मैं ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे आपकी ओपनिंग के थ्रू मिल रहा है, इसलिए मैं आपकी कंपनी में आना चाहता हूँ। सिंपल, आपको कहीं भी अदर क्लैरिफिकेशन नहीं देनी है, कुछ भी और उल्टा सीधा नहीं बोलना, सिंपल एक लाइन में इस क्वेश्चन का जवाब देना है। पांचवा पॉइंट, टेल मी समथिंग अबाउट योर इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट के बारे में कुछ बताओ। आपको क्या बताना है?
आपको ये देखना है दोस्तों कि आप क्रिएटिव माइंडसेट के हो या लॉजिकल माइंडसेट के हो, आपको पेंटिंग करना पसंद है या आपको क्रॉसवर्ड पजल्स सॉल्व करना पसंद है, आप वेब डिजाइनिंग के लिए जा रहे हो या आप डेवलपमेंट के लिए जा रहे हो, आपको ये देखना होगा कि आप लॉजिकल माइंडसेट के हो या आप क्रिएटिव माइंडसेट के हो। अगर आप क्रिएटिव माइंडसेट के हो तो आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है पेंटिंग, डांसिंग, एक्टिंग, वॉचिंग मूवीज, जहां पे क्रिएटिव माइंडसेट लगे। अगर आप लॉजिकल माइंडसेट के हो तो आप बोल सकते हो चेस, प्लेइंग चेस, क्रॉस सॉल्विंग क्रॉसवर्ड पजल्स, ऐसे आप एग्जांपल दे सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखना कि अपने माइंडसेट को पहले जानो, उसके बाद इस क्वेश्चन का जवाब दो, डायरेक्टली कुछ भी मत बोलना। तो उम्मीद है आपके सारे पॉइंट्स आप सबको पसंद आए होंगे। अगर आपके मन में कोई और अदर पॉइंट्स है तो प्लीज मुझे कमेंट करें, और प्लीज मुझे आप कमेंट्स में बताना कि आपको आज की वीडियो कैसे लगे। तो दोस्तों आज का वीडियो देख के मजा आया, अगर मजा आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो सॉल्व फॉर यू को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।